के रास्ते से अलग हो जाए और दुश्मन सच्चाई और अच्छाई पे पाबंद रहे। तो तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि हम सच्चे भी हैं और नेक भी? मैं क्रूर सिंह के बारे में तो नहीं कह सकता, महाराजा जय सिंह के बारे में भी नहीं, लेकिन आप सच्चे भी हैं और नेक दिल इंसान भी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराजा जय सिंह का भला। वो कैसे? आप खुद ही तो कह रहे थे कि मुझ जैसा यार का कोई साली नहीं है, और ऐसा यार जो नौकर से बाकी बनकर आया हो विजयगढ़ की खिदमत करे, तो महाराजा जय सिंह का तो भला ही होगा। ठीक है, हम तुम्हें महाराजा जय सिंह के सामने पेश करेंगे। महारानी मां की जय हो, जांबाज मिलने की अनुमति चाहते हैं। आने दो उन्हें, उन्हें भी देखने दो, ये मां किस हालत में है। जाओ। जो हुकुम। महारानी मां ने आपको अंदर बुलाया है। महारानी मां को जाबाज कहा था। मुझे अफसोस है महारानी मां कि मैं कुंवर को अपने साथ नहीं ला सका, और चाहूं तो भी नहीं ला सकता, क्योंकि यह महाराज का हुक्म है। एक मां की रोती हुई आंखें देखने आई हो तो देख लो, यह भी देख लो, जिस मां से उसका बेटा जुदा हो जाए तो उस मां की आंखें ऐसी रोती हैं, चाहे वह महारानी क्यों ना हो। महारानी मां से बड़ी नहीं होती जाबाज, नहीं होती। आप ठीक कहती हैं महारानी मां, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि राजनीति और सियासत क्या एक मां की ममता से बड़ी होती है? आपको महाराज से एक मां होने का हक मांगना चाहिए। महारानी मां, तोड़ दीजिए वो सारी दीवारें जो एक मां और बेटे के बीच खड़ी हैं, क्योंकि किसी महाराज को यह हक नहीं कि वो एक मां को उसके बेटे से जुदा कर दे। हम बेबस हैं जाबाज, हम बेबस हैं। इस राजनीति सियासत के जंजीरों ने मां के कदमों को जकड़ लिया है। तुम तो जानते हो महाराज कितने जिद्दी हैं, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। पर तुम उनसे एक वादा करो, हमारी बेबसी, हमारी आंसुओं का जिक्र कुएं से मत करना, वरना उनके जज्बात का सैलाब सारी मर्यादाओं को तोड़ देगा। तुम कितने खुशकिस्मत हो जाबाज, जो कुंवर के इतने करीब रहती हो, और हम कितने बेबस हैं, जो बेटे के करीब होकर भी नहीं मिल सकते। आप बेबस होंगी महारानी मां, मगर जाबाज बेबस नहीं है। नगर के महाराज से मिलेगा और एक मां को उसके बेटे से मिलाकर ही रहेगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह को विजयगढ़, ताकि उसका चंद्रकांता से मिल। महाराज की जय हो, माफी चाहता हूं कि आपके आराम में खलल डाला। आराम जाबाज? नौगढ़ में किसी को आराम है? क्या तुम्हें आराम है? क्या रात को चैन की नींद सोते हो तुम? इसी बात के लिए हाजिर हुआ हूं महाराज, ना आपको आराम है न चैन, न महारानी मां सो पाती है, कुंवर को भी तमाम रात नींद नहीं आती। ऐसा क्यों महाराज, क्यों? ये नौगढ़ राज परिवार को किसकी नजर लग गई है महाराज? ये तुम पूछ रहे हो जाबाज, तुम्हें मालूम है किसकी काली नजर हमारे परिवार को खाए जा रही है? उस काली नजर का नाम
चंद्रकांता है, हमारे दुश्मन की बेटी, जो एक काला बादल बनकर हमारी रियासत पर छा गई है। चंद्रकांता नाम एक जुनून का है, जिसमें कुंवर वीरेंद्र विक्रम तो दीवाने हो सकते हैं, मगर हम सबको क्या हो गया महाराज? आपको और महारानी मां को किस बात की सजा मिल रही है? जाबाज, हमें इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि कुंवर वीरेंद्र सिंह हमारा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा है। वीरेंद्र विक्रम की अपनी जिंदगी है महाराज, क्या उन्हें उनकी हालत पर नहीं छोड़ा जा सकता? अपनी जिंदगी क्या होती है जाबाज? क्या कोई इंसान अपने आप में मुकम्मल होता है? हर इंसान किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, और भी कई रिश्ते नाते होते हैं। यहां तक कि जिस देश में इंसान पैदा होता है, उस देश का भी उस पर कोई हक होता है। हम तुमसे पूछते हैं जांबाज, क्या कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जायज है, ज्यादा अहमियत रखती है, या फिर उसके देश के प्रति उसका धर्म, उसका फर्ज? अगर कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने सारे फर्ज भूलकर चंद्रकांता के नाम की माला जपता रहेगा, तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? क्या नौगढ़ की प्रजा उसे माफ कर देगी? आपकी बातें खरे सोने की तरह सच्ची है महाराज, मगर महारानी मां की हालत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है महाराज। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता जांबाज, तो क्या हमसे बर्दाश्त होता है? हम भी तड़प रहे हैं जांबाज, लेकिन अगर हमारी किस्मत में तड़पना ही लिखा है तो ऐसा ही होने दो। तुम क्या मांगने आए थे जांबाज? इल्तजा करने आया था महाराज, अपना हुक्म वापस ले लीजिए, मां बेटे को मिल लेने दीजिए। हुक्म इसलिए नहीं दिए जाते जांबाज कि उन्हें वापस ले लिया जाए। अगर मां बेटे आंसुओं में नौगढ़ को पहचाना है तो पहचाने दो। तुम कुंवर वीरेंद्र के दोस्त हो, और दोस्त वो होता है जो भटके हुए दोस्त को सही रास्ता दिखाता है। पर तुम तो कहते हो कि अगर कुंवर वीरेंद्र सिंह मोहब्बत करते हैं तो वो क्या गुनाह करते हैं? अपनी इस गुस्ताखी पर शर्मिंदा हूं महाराज, मगर इस बात की महारानी मां को सजा मत दीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें अपने बेटे से मिलने लगी। एक बार नहीं, हजार बार नहीं। अगर कुंवर वीरेंद्र हमारे हुक्म के पाबंद नहीं, तो हम तुम्हारी इल्तजा के पाबंद भी नहीं। जांबाज, हमने कसम खाई है, हमने शपथ ली है जांबाज, हम शायद इस शपथ के बारे में किसी को न बताते, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चंद्रकांता और कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत से तंग आ चुके हैं। हमने अपने कुल देवी के मंदिर में जाके शपथ ली है कि हम चंद्रकांता को अपने परिवार की बहू कभी नहीं बनने देंगे। हमारे युवराज और महारानी दोनों बगावत पर उतर आए, और ये आग उस चंद्रकांता की मोहब्बत में लगाई है। उसने हमारे परिवार में फूट डाल दी है मां। हम सुरेंद्र सिंह प्रतिज्ञा करते हैं मां कि चंद्रकांता को अपने राज परिवार की बहू कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। और अगर हम नाकाम हो गए मां, तो अपना शीश काटकर आपके चरणों में चढ़ा देगी मां। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाँ।
ये क्या किया महाराज आपने? हमने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। कितना मुबारक होगा वो दिन जब हमारे जज्बात और विचार देवी मां के चरणों में दम तोड़ देंगे। लेकिन तुम हमारे सर की परवाह मत करो, महारानी की परवाह मत करो। तुम अपनी दोस्ती की मशाल को और रोशन करो और बुलंद करो। ले जाओ कुंवर वीरेंद्र सिंह को विजयगढ़, ताकि उसका चंद्रकांता से मिलन हो जाए, ताकि हमारी रियासत बर्बाद हो जाए। तो फिर मेरी बात भी सुन लीजिए महाराज, मैं इस टपकते हुए खून की कसम खाता हूं कि अगर महाराज महारानी पर से पाबंदी हटा लेंगे तो मैं कुंवर वीरेंद्र विक्रम को विजयगढ़ कभी नहीं जाने दूंगा। वो सिर्फ उस वक्त जाएंगे जब आप उन्हें वहां जाने में जा सकते। महारानी माँ की जय हो। महाराज ने हुकुम वापस ले लिया है, रानी माँ कुंवर से मिल सकती हैं। कुंवर पधार रहे हैं। कुंवर, मेरे कुंवर, महारानी माँ, कुंवर, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा। माँ, मेरी वजह से कितने दुख उठाए हैं आपने, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई, तुम्हें देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। जिस माँ से बेचैन दिल को फरार आ गया, अब तुम कहीं नहीं जाना, हमेशा मेरे पास रहना। तेरी आंखों के सामने कितने बेरहम थे महाराज, जो एक माँ को बेटे से जुदा कर दिया। नहीं माँ, मैं तो कहता हूँ महाराज बहुत रहम दिल है, जो उन्होंने आपको मुझसे पर मुझे आपसे मिलने की इजाजत दे दी। मैं भी बहुत अकेला हो गया था माँ आपके बिना, बहुत अकेला हो गया था। जिस घर में बेटा माँ के सीने से लगा हो, उस घर में जन्नत की ठंडी हवाएं चलने लगी। आंखों को मिलने वाली राहत रूह को भी सुकून देती है। जाबाज, देखा तो हमारा कुंवर लौट आया है, हमारा बेटा हमारी अंधेरी जिंदगी में नूर बनकर लौट आया है। महाराज ने दया की जाबाज, महाराज ने हम पर बहुत बड़ी दया की है। जानता हूं महारानी माँ, पर अभी ने आप आंचल में छिपा कर रखिएगा, कहीं मत जाने दीजिएगा। नहीं जानती सुबह से शाम, शाम से सुबह कैसे गुजारती रही हूँ, कैसे जीती रही हूँ मैं। एक एक पल एक एक क्यूब की तरह काटा है मैंने, मगर अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। बेटा, बेटा, चले जाओ। आप एक खत लेकर मुझे दे दीजिए, मैं खुद उसे राजकुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचाऊंगा। कल आप दोनों के मिलन का बंदोबस्त भी कर दूंगा। लेकिन जाबाज, मैं कैसे सब्र करूंगा उस कल तक का जो सदियां गुजर कर आज से कल बनेगा। आज का तूफान गुजर जाने दीजिए राजकुमार, कल आप दोनों का मिलन यकीनन होगा, चाहे जाबाज की जान क्यों न चले। और राजकुमारी ने आपके नाम पैगाम भेजा है कुंवर। पैगाम? कि अब उसे ये रुसवाई ये बदनामी सब मंजूर है, लेकिन आपकी मोहब्बत से दूर ये दम तोड़ती हुई जिंदगी मंजूर नहीं है। अगर आप वक्त पर नहीं गए ना राजकुमार, तो वो अपनी जान दे देगी। आपको हर हालत में वहां जाना होगा कुंवर। आपको जहाबाज की कसम, आपको वहां जाना होगा। हम जाऊंगा। तीसरा दिन, तीसरा
जाबाज, ये तो कमाल हो गया। महाराज का दिल बदल गया। हम जानते थे वो कब तक अपनी जिद पर लड़े रहेंगे, और हमें यह भी मालूम है कि एक दिन चंद्रकांता के खिलाफ उनके दिल में जो नफरत है वो भी खत्म हो जाएगी। हम चंद्रकांता से मिल सकेंगे, चंद्रकांता हमारे राज परिवार में कबूल कर ली जाएगी। हम बहुत खुश हैं जाबाज, बहुत खुश हैं हम। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं भी खुश हूं कुंवर। आप खुश हैं तो मैं भी खुशी रहूंगा ना? नहीं जाबाज, तुम खुश नहीं हो। क्या बात है? कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है कुंवर। हम समझे नहीं। मसला सिर्फ समझने का ही है कुंवर। आप समझना चाहें तो सब कुछ समझ जाएंगे, और जो कोई ना समझना चाहे तो लुकमान हकीम भी इसे नहीं समझा सकता। ओ, जरूर कुछ ऐसी बात हुई है जिसका हमें इल्म नहीं है, और वो तुम हमें पहेलियों में समझाना चाहते हो? पहेलियों में नहीं कुंवर, पहेलियों में नहीं, साफ तौर पर। आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं ना कुंवर? ये पूछने का मतलब? मैं अपने आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको इस बात का एतमाद है कि मैंने हमेशा आपका भला चाहा है, और हमेशा आपका भला मैं चाहता ही रहूंगा। हमने कब तुम पर शक किया? बल्कि हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुम महाराज से जाकर मिले और उन्हें रोशनी दिखाई, जिसकी वजह से महारानी मां पर से सारी पाबंदियां हटा दी गईं और हम उनसे मिल सके। मैंने महाराज को कोई रोशनी नहीं दिखाई कुंवर, उल्टा उन्होंने मुझे सच्चाई समझने पर मजबूर किया है। सच्चाई क्या है? चंद्रकांता से आपकी मोहब्बत के खिलाफ मैं कभी नहीं रहा हूं कुंवर, उल्टा इस मकसद में हमेशा मैं आपकी मदद करता आया हूं। मगर महाराज के हुक्म की नाफरमानी करना किसी युवराज के लिए ठीक नहीं है। मगर आप तो अपने आप को कभी युवराज समझते ही नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि आप सिर्फ एक आशिक हैं, किसी मां के बेटे नहीं? क्या यह सच नहीं कि आप सिर्फ चंद्रकांता के मंजूर नजर हैं और आपको कोई और रिश्ता ना मंजूर है? क्या यह सच नहीं कि आपकी आंखों पर चंद्रकांता नाम की एक हसीन लड़की का रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके आगे आपको कुछ नजर ही नहीं आता? जाबाज, तुम हमारी पैरवी करने गए थे कि उनकी पैरवी यहां करने आए हो? महाराज का गुस्सा तो कभी शांत नहीं होगा। इसका मतलब है हम चंद्रकांता से कभी नहीं मिल सकेंगे। नहीं कुंवर, नहीं। कोई भी जज्बा हमेशा के लिए नहीं रहता। आप कुछ रोज के लिए मत पढ़ाओ हमें यह सबक जो तुम वहां से पढ़कर आए हो। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं कुंवर। आप महारानी मां से मिले, आपको अच्छा लगा। मैं कहता था ना कि कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है कुंवर। आप थोड़ा सफर कीजिए और कुछ रोज चंद्रकांता से ना मिलिए। हर वो इंसान हमारा दुश्मन है जो ये चाहता है कि हम चंद्रकांता से ना मिले। अगर महारानी मां हमारी आत्मा है तो चंद्रकांता हमारा दिल है। जाबाज, तुम किसे छोड़ने की बात कर